हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निविया मैन डार्क स्पॉट्स रिडक्शन क्रीम के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरे सारे वीडियो से अपडेट रहें और बिना मिस किए सारे वीडियो को देख सकते हैं गाइस। और प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निविया मैन डार्क स्पॉट्स रिडक्शन क्रीम के बारे में, जो कि जो हमारे फेस पे पिंपल्स होते हैं, काले धब्बे होते हैं, जो निशान होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं, उसको ये रिमूव करेगा। उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। लेकिन गाइस, ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है, जिनकी स्किन ड्राई है, और ये अदर स्किन के लिए है, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है। ये निविया जो मैन डार्क स्पॉट्स डॉक्टर्स मॉइस्चराइज क्रीम पुरुषों की त्वचा के लिए है। ये डार्क स्पॉट की समस्या का एक फेस क्रीम है। ये एक क्रीम आधार है, इसलिए यह शुष्क त्वचा से सामान्य त्वचा के लिए उपयुक्त है। इस क्रीम का उपयोग संयोजन वाले चमड़े वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसका उपयोग गर्मी में नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी में जो हमारी त्वचा है काफ़ी ओली हो जाती है, जो कि मैंने बताया कि ये ओली स्किन के लिए नहीं है। तो समर्स में स्किन काफ़ी चिपचिपा और काफ़ी ओली दिखने लगते हैं, काफ़ी तेल छूटने लगते हैं, काफ़ी पसीने होने लगते हैं, तो उस वक्त आप इसको नहीं अप्लाई करेंगे। और उस समय हम इस क्रीम का उपयोग नहीं करेंगे। और कुछ घंटों बाद अगर उसको यूज़ करते हैं समर्स में अपनी स्किन पे, तो हमारी स्किन से काफ़ी तेल निकलने जाता है। जैसे जैसे तेल और सीबम आना शुरू होता है, हमारी स्किन और भी डैमेज होती है। सीबम एक तरह का ऑयल होता है, जो वो हमारी स्किन से निकलता है। तो आप इसको समर में यूज़ नहीं करेंगे। और आपका ड्राई स्किन भी है, तो अगर समर में आपकी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है, काफ़ी पसीने वगैरह निकलने लगते हैं, तो आप इसको समर्स में यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इसको समर्स में यूज़ करते हैं, तो आप स्किन को ये काफ़ी ये ओला और चिपचिपा बना देगा, और काफ़ी सीबम निकलने लगेंगे। सीबम एक तरह का तेल है, और जैसे जैसे तेल और सीबम आना शुरू होता है, तो आपकी स्किन भी अब काफ़ी क्रीम ये काफ़ी भारी लगने लगती है, स्किन और डैमेज दिखता है। इसलिए इस प्रकार का ये जो है क्रीम, इसको विंटर के लिए बनाया गया है खासतौर से। ये मॉइस्चराइजर क्रीम है निविया मैन डार्क स्पॉट्स, तो आप इसको विंटर में अप्लाई करेंगे, और इसको आप दिन में दो बार ये अप्लाई करेंगे। तो आपका जब ये दिन में आप दो बार अप्लाई करते हैं इसको नियमित रूप से, तो आप स्किन टोन को बढ़ाएगा, आप स्किन टोन को फेयरनेस को काफ़ी बढ़ाएगा। ये अच्छी तरह से त्वचा में अवशोषित हो जाता है, इसका एब्जॉर्बेशन अच्छा है, इजिली आप स्किन में काफ़ी मिल जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। या फिर जो भी सूखी त्वचा, उसको हाइड्रेट करेगा, जो ड्राई स्किन है उसको हाइड्रेट करेगा। तो आप इसको लगाकर देखिए और फर्क देखिए आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। ये यूवी फिल्टर और नगपान है, और ये इसका जो है डिमांड्स मैं आपको बता देती हूँ कि गर्मी के लिए नहीं है, और ये गर्मी में इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये उपयुक्त जो है इसकी क्वालिटी है, उपयुक्त काले धब्बे और समान त्वचा के लिए टोन के लिए बढ़ाने के लिए अच्छा है, काले धब्बे को रिमूव करने के लिए है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ये आपको 180 रुपीज़ में मिल जाएगी 75 में ले, जो कि गाइस कोई भी क्रीम है जो 200-250 ऐसे करके मिलती है, तो कोई ये ज़्यादा नहीं है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो पसंद आया, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरे सारे वीडियो से अपडेट रहें और बिना मिस किए आप मेरे सारे वीडियो को देख सकेंगे। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सी यू माई नेक्स्ट वीडियो गाइस।